अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं मुंबई का एक फेमस नान, इसे हम लंबे पाँव कहते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 4 कप हमने मैदा लेना है, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लेंगे, 2 टेबलस्पून दही लेना है, 2.5 TSP हमने एक्टिव यीस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून घी लेंगे, 1/2 TSP सोडा, 1/2 टेबलस्पून नमक लेंगे, 1 कप नीम गरम दूध लेना है आपको, ज़्यादा तेज़ गरम दूध नहीं लेना है आपको, इसका ध्यान देना है। मैदे में पूरे इंग्रेडिएंट्स हमें डाल लेना है, मिल्क पाउडर, दही, एक्टिव यीस्ट को हमने पानी के साथ में डिजॉल्व करके रखा था, नमक और सोडा, घी, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूध डालते हुए हमें एक मीडियम सॉफ्ट डो हमें अच्छी तरह से गूंध लेना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ये डो, आपको उसका ध्यान देना है। 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। मैदे के ऊपर हमने तेल लगाना है, उसे कवर करके हम 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें। 2 घंटे के बाद एक बड़ा कप पोषण लेंगे, इसे हम अंदर की तरफ टक करते हुए जाएंगे। देखिए, इसे अंदर की तरफ इस तरह से हमें लेते जाना है। अब हम इसे रोल कर लेंगे और एक मोटी सी हमें रोटी बनाना है। देखिए, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इसे हम बेकिंग डिश में रख लेंगे। छुरी से हम इसे डायमंड शेप दे देंगे, कट करते हुए इसे डायमंड शेप दे दें। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लेके हमें इसे मिल्क दूध के साथ में मिक्स कर लेना है और एक थिक पेस्ट बनाना है हमें, ज़्यादा पतला नहीं रखना है ये पेस्ट को, आपको इसका ध्यान देना है। मिल्क पाउडर पेस्ट को आप ये नान के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके नान के ऊपर गोल्डन कलर आएगा। इसे हमने 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर हमने 35 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। 35 मिनट्स के बाद में डिश को निकाल देंगे। ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर बटर लगा लिया है, इससे बहुत अच्छी शाइन आती है नान के ऊपर। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट नान बना है, इसे हम अब अंदर से भी चेक करके देख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है दोनों तरफ से। कितनी अच्छी जाली बनी है देखिए अंदर से, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। आप हर पीस को आसानी से इससे निकाल सकते हैं और लंबे पाँव बनके तैयार है। आप इसे कबाब के साथ में सर्व कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।